उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बावजूद रविवार को लखनऊ के कैसरबाग में बने अवैध निर्माण पर एलडीआर का बुलडोजर गरजा। बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी। आरोप है कि इस बिल्डिंग के नीचे 2 फ्लोर का बेसमेंट तैयार किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध था। इसके साथ ही निर्माणाधीन बिल्डिंग का लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एलडीए का अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर गरजा। दूसरे दिन भी प्रशासन की ये कार्रवाई चलती रही। बता दें कि एक दिन पहले भी शुभम सिनेमा के पास बेशकीमती जमीन पर बने 2 मंजिला अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। इस मामले में एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया था। इसे लेकर कमिश्नर कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन वहां से भी इसको खारिज कर दिया गया था। कैसरबाग इलाके में AFI अपार्टमेंट के बाद एलडीए की ये बड़ी कार्रवाई है। मौके पर कोई विवाद ना हो, इसके लिए कैसरबाग पुलिस की टीम भी मुस्तैद रही। एलडीए अधिकारी ने बताया कि इस बिल्डिंग का ना तो नक्शा पास था, ना ही इस बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन था। कॉम्प्लेक्स फर्जी तरीके से हासिल की गई विवादित जमीन पर बनाया गया था। बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया था। एलडीए के द्वारा इनके द्वारा कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था, ये अवैध निर्माण था। विहित प्राधिकारी न्यायालय से इसके ध्वस्तीकरण का आदेश 1.5 महीना पहले हो चुका है, उसके क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो अवैध निर्माण तो इन्होंने जब शुरू किया था तब इनको नोटिस दी गई थी कि आप निर्माण कार्य बंद कर दें, लेकिन इनके द्वारा लगातार जारी रहा। फिर विहित प्राधिकारी न्यायालय में मुकदमा चला। विहित प्राधिकारी द्वारा इसको नियमानुसार इनको सुनते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया, जिसका अनुपालन कराया गया। एलडीए के बुलडोजर एक्शन का कैसरबाग के लोगों ने विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि पहले तो एलडीए की तरफ से गलत नाम पर प्रॉपर्टी जारी की गई, इसके साथ ही नक्शा प्रक्रिया में था। हाई कोर्ट में भी टाइटल शूट का मुकदमा चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही थी। बिल्डिंग मालिक का कहना है कि एलडीए अधिकारियों के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। अधिकारी अपनी मनमानी करके इसको निर्माण को अवैध बता के तोड़ के गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश ये नहीं मान रहे हैं। न्यायालय में अपील दाखिल है, जिसकी 14 तारीख डेट लगी है, उसको ये नहीं मान रहे हैं। इन्होंने जबरन इस निर्माण को गिराया, किसी और के नाम की नोटिस काट के हमारे निर्माण को इन्होंने गिराया, जबकि सारे पेपर हैं, हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें साफ लिखा हुआ है 14 तारीख डेट लिखी है।